हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गाइस कि आप अपने फ़ोन में अपने वॉल पेपर्स कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो में सिंपल सिंपल स्टेप है, आपको इन फॉलो करके आप अपने फ़ोन में अपने वॉल पेपर चेंज कर सकते हैं। तो ये वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देख लेना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने के लिए गाइस सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में अपनी सेटिंग को ऑन करना होगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है लॉक स्क्रीन एंड वॉल पेपर, तो आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको वॉल पेपर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे वॉल पेपर देखने को मिल जाते हैं, जो भी आपको लाइक हो पसंद हो उस तरीके से उस पर क्लिक करेंगे आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अगर आपको दूसरा लगाना है तो आप यहाँ से दूसरा भी लगा सकते हैं, इस तरीके से इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई का ऑप्शन देखने को मिला था, तो अप्लाई करेंगे। अगर आप अपने फ़ोन में अपनी लॉक स्क्रीन बुलाना चाहते हैं तो लॉक स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। सेट टू लॉक स्क्रीन, आप अपने सेट टू डेस्कटॉप पर लगाना चाहते हैं तो डेस्कटॉप पर लगा सकते हो। यहाँ पर आपको अगर दोनों पर लगाना तो आपको सेट एज वॉल पर क्लिक कर देना, तो आपका जो है वॉल पेपर दोनों पर लग चुका है। तो भाई इस तरीके से आप अपने फ़ोन में अपने वॉल पेपर चेंज कर सकते हैं। तो भाई वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।